दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Realme Nardo N55 स्मार्टफोन को Realme 10 स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme Nardo के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Realme 10 के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना Realme 10 स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन में हमें सुपर AMOLED पैनल मिल रहा है। भाई अच्छी बात है, मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार जो Realme Nardo है ना भाई, यहां पर IPS LCD एवरेज वाली डिस्प्ले दी गई है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Realme Nardo आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme 10 यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई दोनों ही मामलों में यहां पर Realme Nardo स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि इस फोन में हमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट यूआई देखने को मिल रहा है। भाई अच्छी बात है, और लेटेस्ट वाले ब्लोटवेयर भी आपको इसी फोन में देखने को मिलेंगे। चिपसेट की अगर हम बात करें तो Realme Nardo के अंदर हमें MediaTek Helio G88 4G चिपसेट दिया गया जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme 10 के अंदर हमें MediaTek Helio G99 4G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया है, लेकिन यार अगर हम इन दोनों में से किसी एक को चूज करना ना स्पेसिफिक गेमिंग के लिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली Realme 10 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें MediaTek Helio G99 दिया गया। भाई बढ़िया चिपसेट है, गेमिंग आपको मजेदार वाली करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Realme Nardo की, तो इस फोन का मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Realme 10 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, पोर्ट्रेट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों आपको बता दूं यार, दोनों स्मार्टफोन्स का जो मेन कैमरा वो तो आपकी अच्छी फोटोज और वीडियो वगैरह क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार ये जो 2 का डेप्थ, 2 का पोर्ट्रेट कैमरा है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसकी जगह पर Realme वाले इन दोनों फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते थे, लेकिन मेरे भाई पैसा बचाने के चक्कर में उन्होंने नहीं दिया। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Realme Nardo के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Realme 10 के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर Realme 10 स्मार्टफोन ही विनर है, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन 33W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यहां पर दोनों फोन्स 4G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। जी हां यार, ये दोनों फोन्स 5G नहीं है भाई, सिर्फ 4G दे गए ना, काम मुका दिया Realme वालों ने। और 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Realme Nardo फोन के 4+64GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 11,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Realme 10 स्मार्टफोन के 4+64GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार अगर आपका बजट है भाई 11,000 रुपए तक का और उससे आप ऊपर नहीं जा सकते, तब आप फिर बिना इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यार 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके यहां पर Realme 10 की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इस फोन में जो हमें ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है ना भाई, काफी ज्यादा बढ़िया मिल रही है। तो बस दोस्तों यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।